क्वांटिटीज ऑफ द अर्थवर्क इन कटिंग एंड बैंकिंग। ठीक है, इसमें यही है फ्रेंड कि यहाँ पर जो न्यू कॉन्सेप्ट आने वाला है कि आपको अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन हमने जो सॉल्व कराया होगा कराए होंगे उसमें हमारा क्या था, या फिर ओनली कटिंग था या फिर ओनली क्या था फिलिंग था। ओके, तो इस केस में हमारा क्या आने वाला, कटिंग एंड फिलिंग। ठीक है, देख सकते कटिंग एंड बैंकिंग बोली या फिलिंग बोली, ठीक है, वो हमारा क्या दोनों आने वाला। तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट एंड प्लान्स। फ्रेंड, इस वीडियो में बेसिकली हमारा जो ये जो वीडियो है ये बेसिकली क्या है, एस्टीमेशन का पार्ट फोर होने वाला है। ओके, और हमारी जो पार्ट फोर है इसमें कुछ न्यू यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पर एड की गई है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या जो कि हमारी पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में थी उसमें क्या किया था, हमने पूरे डिटेल में इसे बताया गया था। ठीक है, और अभी तक हमने दो से तीन जो क्वेश्चन होती है हमारे एस्टीमेशन के रिगार्डिंग वो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें हमारा क्या कुछ न्यू कॉन्सेप्ट एड हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इसी अगर बात करें कि इस जो हम लोग जो मेथड अप्लाई करने वाला है इस क्वेश्चन में वो बेसिकली क्या होने वाला है, मीन सेक्शन एरिया मेथड होने वाला और एक हमारा जो होता है मिड सेक्शन एरिया मेथड। ओके, और इसकी प्रॉपर डिटेलिंग की बात करें वो हमारा क्या है पार्ट वन में ऑलरेडी गिवन है। ओके, अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे जाकर विजिट करके देख सकते हैं। ओके, सो फर्दर वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड की जो क्या यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ द अर्थवर्क इन कटिंग एंड बैंकिंग। ठीक है, इसमें यही है फ्रेंड कि यहाँ पर जो न्यू कॉन्सेप्ट आने वाला है कि आपको अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन हमने जो सॉल्व कराया होगा कराए होंगे उसमें हमारा क्या था, या फिर ओनली कटिंग था या फिर ओनली क्या था फिलिंग था। ओके, तो इस केस में हमारा क्या आने वाला, कटिंग एंड फिलिंग। ठीक है, देख सकते कटिंग एंड बैंकिंग बोली या फिलिंग बोली, ठीक है, वो हमारा क्या दोनों आने वाला। तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, फॉर अ पोर्शन ऑफ रोड विथ फ्लोइंग डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉर्मेशन विड्थ है, ठीक है, जो भी हमारी जो रोड बनने वाली है तो उसकी जो फॉर्मेशन विड्थ होगी रोड की वो हमारी क्या 12 मीटर है। ठीक, नाउ बात करते हैं फॉर्मेशन लेवल ऑफ स्टार्टिंग चेंजेस, मतलब कि जो हमारी जो फॉर्मेशन लेवल है उसकी अगर चेंजेस की बात करें, उसकी आरएल बता रही है वहां पर, वो हमारी बता रही है 51.4 लेवल है। ठीक है, ना तीसरे पॉइंट की बात करें कि फ्रेंड देख सकते कि रोड सरफेस विल बी गिवन फॉलोइंग ग्रेडियंट ऑफ 1:200, मतलब यहाँ पर जो ग्रेडियंट होने वाली, मतलब कि जो हमारी जो फॉर्मेशन लाइन की वो बेसिकली क्या होने वाला है कि फॉलोइंग करने वाली है। ठीक है, मतलब डाउनवर्ड ग्रेडियंट होने वाला है। ठीक है, हमारे फॉर्मेशन लाइन की, ठीक है, मतलब कि रोड का बेसिकली यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, ना बात करते हैं कि साइड स्लोप, जो भी हमारा जो साइड स्लोप होगा वो अगर आप बैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो बैंकिंग कर रहे हैं या फिर फिलिंग कर रहे हैं उस दौरान क्या लिया जाएगा, 1:2 horizontal, मतलब कि यहाँ पे जो एस की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, साइड स्लोप के केस में जो एस की वैल्यू होगी 2 होगी इन केस ऑफ बैंकिंग, और अगर आप वही अगर कटिंग की बात करें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 1.5। ठीक है, मतलब कि एक जब आप वर्टिकल चलते हैं तो कितना डिस्टेंस आपको हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। ठीक है, वो हमारा हो गया। ना हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि इसके अगर क्वेश्चन की बात कर दे सकते हैं, चेंजेस दिया है। ठीक है, तो एक 0 एलिवेशन पर है। ठीक है, मतलब उसकी आर वहां पर 0 एलिवेशन है, उसके बाद हमारे क्या चेंजेस को बताते जा रहा है, मतलब कि हम हमारी यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ चेन है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड हो, ओके, लेंथ ऑफ चेन जो कंसिडर किया गया है 30 मीटर। ओके, लेंथ ऑफ चेन, ना बात करते हैं कि जो चेन मीटर है 0 से शुरू हो रही है और 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180। ओके, मतलब कि 30-30 का यहाँ पर इंटरवल दिया गया हमारे चेन्स का। ओके, ना बात करते हैं कि ग्राउंड लेवल इन मीटर, तो ग्राउंड लेवल की यहाँ पर एलिवेशन दिए फ्रेंड या फिर स्क्वायर बोलिए। ओके, 50.8, 50.6, 50.7, 51.2, 51.4, 51.7 एंड 51.0, मतलब कि 51। ओके ना फ्रेंड, जो कि अभी तक इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें बनानी पड़ती है टेबल। अब टेबल क्यों बनानी पड़ती है, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें कितना डेप्थ तक हमारा जो भी कटिंग होगा या फिर फिलिंग होगा ये पता चलता है। इसके साथ हमें पता है कि कितनी हमारी जो आरएल जो भी फॉर्मेशन जो लाइन होगी उसकी आरएल पता चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, टेबल बना सकते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं यह होती है हमारी जो भी हाइट ऑफ कटिंग, ओके, हाइट ऑफ बैंकिंग, हाइट जो भी होता है उसके आरएल ऑफ फॉर्मेशन, आरएल ऑफ जीएल, डिस्टेंस एंड चेंजेस। ओके, ये हमारा कुछ नहीं फ्रेंड। ओके, तो यहाँ सबसे पहले पुट अप करते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं चेंजेस हमारा क्या था, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, मतलब कि 30-30 के इंटरवल पर, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180। ओके, अब बात करते हैं डिस्टेंस, तो फ्रेंड डिस्टेंस कितनी निकलती है, तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड कि एक जो लेंथ है चेन की स्टैंडर्ड वो है 30 मीटर। ओके, और हमारा इंटरवल है 30-30 की, तो उसे मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगी, हमारी डिस्टेंस मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड 30 × 0 = 30 × 30 900 हो जाएगा, 30 × 60 = 1800 हो जाएगा, और 90 × 30 वो हमारा हो जाएगा 2700, उसके बाद 120 × 30 तो हो जाएगा 3600, और सोन हमारा गया 5400 तक। ठीक है, ना हम लोग बात करते हैं कि आरएल ऑफ
जीएल जो हमारा ग्राउंड लेवल का होगा, ठीक है। तो आरएल और जीएल बेसिकली यहाँ पर जो बता रहा फ्रेंड, देख सकते हैं टोटल क्या है नीचे में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली बता रहा है कि अगर जो टोटल आपका क्या होने वाला नीचे जाने वाला कुछ ऐसा सपोज, और आपका जो बता रहा है कि आरएल फॉर्मेशन क्या है 51.4 होने वाला, ठीक है, मतलब कि कुछ ऊपर होगा। और यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड क्या बता रहा है कि थ्रू आउट जो भी जितनी होगी लेंथ वो क्या होने वाली है कि फॉलिंग ग्रेडियंट में होने वाली है, मतलब कि कुछ आपको क्या होने वाला कुछ ऐसे जाने वाला है, ठीक है। तो कुछ अच्छा बना नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक जाना क्योंकि देख सकते फ्रेंड यहाँ पर अगर कुछ रहा तो यहाँ पर क्या हो रहा, अगर ये हमारा चेन था 60, ये था 90, मतलब कि यहाँ तक क्या होने वाली, यहाँ तक होने वाली है आपकी क्या, यहाँ पर होने वाली आपकी फिलिंग, ओके। और इसके बाद जो पोर्शन होगी ये हमारा क्या कुछ नीचे होने वाला था, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्या होने वाली, यहाँ पर होने वाली थी कटिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये कितना डिस्टेंस तक हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर हम लोग कटिंग करने वाले, सॉरी यहाँ पर क्या होने वाला हमारा फिलिंग होने वाला, उस पर यहाँ पर क्या नया कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हमारा आरएल ऑफ जीएल। तो आरएल ऑफ जीएल हमारा क्या हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जी की 50.18 से लेकर 51 तक, ठीक है। तो सारा हम लोग क्या करते हैं पुटअप करती है ना। था हमारा आरएल फॉर्मेशन, तो आरएल फॉर्मेशन की बात करें तो पहला हमारा जीरो चेनेस पर कितना दिया देख सकते हैं 51.4 मीटर दिया, ओके। तो 51.4 मीटर यहाँ पर पुटअप कर दिए, और हमारे जो ग्रेडियंट दिए गए तो फॉल कर रहा थ्रू आउट कितना 1 in 200, ओके। तो देख सकते हैं अगर 1 in 200 पर फॉल कर रहा है, और यहाँ हमारी जो लेंथ ऑफ चेन है वो अगर 30 मीटर है, तो टोटल जो ग्रेडियंट कितनी फॉल हो रही है वो हमारी होती है 0.15, ओके। मतलब कि 0.15 के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, ग्रेडियंट हमारे क्या कर रही है, वो हमारे क्या डाउनवर्ड होती चली है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। तो ना बात करते हैं 51.4 से माइनस करना पड़ेगा हमें, थ्रू आउट जाना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि थ्रू आउट हमारे क्या 1 in 200 की फॉल हो रही है ना, यहाँ पर राइज देखने को नहीं मिल रहा, राइज देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा, ओके। तो 51.4 से माइनस करना पड़ेगा 0.15, तो आ जाएगी 51.25, अगेन माइनस करना पड़ेगा 0.15, तो इसे 51.25 से माइनस करना पड़ेगा 0.15, तो आ जाएगी 51.1, अगेन माइनस करेंगे 0.15 तो 50.95, अगेन इससे माइनस करना पड़ेगा 0.15, आ जाएगी 50.8, अगेन माइनस करेंगे तो आ जाएगी 50.65, और अगेन माइनस करेंगे 0.15 तो आ जाएगी 50.5, ओके। तो यहाँ पर क्या मिल गया फ्रेंड, यहाँ आरएल ऑफ फॉर्मेशन मिल गया, और यहाँ हमारे क्या होगी आरएल ऑफ जीएल भी मिल गई, ओके। नब हमें फाइंड करना पड़ता है कि किस केस में हमें बैंकिंग होगी, मतलब फिलिंग होने वाली, और किस केस में मतलब कि वहां पर कटिंग होगी, ठीक है। तो ना बात करते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं कि आरएल ऑफ फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर इसकी जो जीएल है वो कुछ ज्यादा होने वाली है, और यहाँ पर जो आरएल ऑफ जीएल है वो क्या है, सॉरी आरएल ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर ज्यादा है, और आरएल ऑफ जीएल यहाँ पर क्या है उसकी एलिवेशन वो कम है। तो यहाँ पर क्या होगी फ्रेंड, यहाँ पर हाइट ऑफ बैंकिंग होगी, मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें फील करना पड़ेगा, क्योंकि जीएल नीचे हो रहा है, हमारा ग्राउंड लेवल नीचे है, और जो फॉर्मेशन लाइन है कुछ ऊपर बनने वाली है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमें मिट्टी डालनी पड़ेगी, फील करनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट तक क्या हो फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक मतलब कि 51.4, 51.25, 51.10 तीनों केस में देख सकते हैं फ्रेंड कि 50.8 से लेकर 50.7 है, मतलब तीनों क्या होगी फ्रेंड हाइट ऑफ बैंकिंग, मतलब कि आरएल ऑफ फॉर्मेशन माइनस आरएल ऑफ जीएल, ठीक है। इस केस में भी सेम होगा, इस केस में भी सेम होगा, तो सारी की वैल्यू 0.6, 0.65, 0.4 आ गई, ओके। ना बात करते हैं फ्रेंड कि देख सकते हैं अब उसके बाद क्या हो रहा है कि 50.95 और माइनस करेगा 51.2, मतलब यहाँ पर आपकी जो जीएल हो रही है, ग्राउंड लेवल हो रही है, वो ऊपर हो गई, ठीक है। मतलब कि आपका जो ग्राउंड लेवल हो गया कुछ ये हो गया, और आपकी जो फॉर्मेशन लाइन ये है, तो मतलब यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी आपको फ्रेंड, कटिंग करनी पड़ेगी, ओके, यहाँ पर कटिंग करनी पड़ेगी। तो उस किस्म क्या होगा 50.95 माइनस 51.2, तो वो हमारी कटिंग होगी, मतलब कितनी 0.25 हाइट ऑफ कटिंग, ठीक है। तो सिमिलरली 50.8 में माइनस करना पड़ेगा 51.4, तो वो हमारी क्या होगी हाइट ऑफ कटिंग होगी। सिमिलरली 50.6 का माइनस 51.3 तो 0.65, एंड लास्ट वन 50.5 माइनस 51 तो वो आ जाएगी हमारी 0.5, ओके। तो यह ऐसे हमें बेसिक नहीं मिल गया कि हाइट ऑफ कटिंग कितनी होने वाली, हाइट ऑफ बैंकिंग कितनी होने वाली, और हमारा जो आरएल फॉर्मेशन होगा वो कितना होने वाला है, ओके। तो इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं इसका लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा जो सेक्शन होता है उस पर हम लोग प्लॉट करते हैं, ओके। तो ये हमारा क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल जो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जो सेक्शन प्लॉट करते हैं हमारे रोड का, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या, ये हमारी चेंजेस हो गई, ओके, ये हमारा क्या हो गया चेंजेस हो गया। ना बात करते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं ये हमारे क्या टोटल जीएल है, ये हमारी जितनी पॉइंट यहाँ पर प्लॉटेड किया, ओके। तो ये हमारे क्या टोटल जीएल होने वाले, ठीक है, जीएल है, और हमारी जो फॉर्मेशन लाइन थी हमने फ्रेंड क्या बात किया था कि 1 in 200 क्या होने वाला है, यहाँ पर फॉल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको प्लॉट करिएगा तो आपको क्या होगा इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या होगा कट होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या होने वाली, यहाँ पर कट होने वाली है, ठीक है। मतलब इसका बस ये कॉन्सेप्ट फ्रेंड कि ये आपको समझाना था, ओके। अब ये क्यों हुआ, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है सडन फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पर
कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारा क्या होगा, मतलब की 60 जब आपकी चेन 60 थी, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कि जब आपकी चेन 60 थी तो हमारी कितनी हाइट ऑफ बैंकिंग, और जैसे आपकी चेन 90 हो गई तो हमारी हो गई कटिंग। मतलब कोई ना कोई पॉइंट, ऑब्वियस बात है फ्रेंड, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा, तो वहां पर बीच में कहीं ना कहीं हमें जीरो मिला होगा, तब तो वहां पर क्या हो गया, नेगेटिव गया होगा, तो वो जीरो कहाँ पर आया, वही फ्रेंड वही हमें पॉइंट फाइंड करना। ओके, तो वो पॉइंट कहाँ मिलेगी, तो फ्रेंड ये जो पॉइंट है वो हमारी क्या थी, 60 से 90 के बीच में थी, तो 60 से 90 के बीच में हमारा क्या कहीं ना कहीं जीरो लाइक कर रहा होगा, ठीक है। और ये हमारा कौन सा यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी हमारी बैंकिंग, और ये कौन सी होगी, यहाँ पर होगी कटिंग, क्योंकि ये हमारा क्या जीएल का फॉर्मेशन लाइन है, ठीक है, ये हमारा जीएल है, ठीक है, जीएल का आरएल है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा फ्रेंड, किस एक्स डिस्टेंस पर, ओके, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि किसी एक्स डिस्टेंस पर कितनी, मतलब कि उसकी जो बेसिकली जो डेप्थ है वो जीरो होने वाली, ओके, डेप्थ जीरो होने वाली है। ओके, तो ना सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लग गया फ्रेंड, देख सकते हैं ये हमारा क्या, यहाँ से हम लोग कट करके इसे निकाल लेते हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर किसी एक्स डिस्टेंस पर इसकी अगर बात करें फ्रेंड, ये कितनी निकली है, ठीक है, तो डेप्थ कितनी अब निकली है हमारी कटिंग की, तो सॉरी बैंकिंग की, ओके, सॉरी बैंकिंग की, वो देख सकते हैं 0.4860, ओके, 860 चेनेस पर, 60 चेनेस पर 0.4 और 90 पर 0.25 माइनस में, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या निकली कि ये जब हमारा क्या था 60 पर था, ये 60 पर है, ये हमारा 90 पर है, ओके, ये याद रखिएगा 0.4 निकली है और 90 पर कितनी 0.25 निकली है, और हमने मानना है कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हमारा क्या जो हमारा जो डेप्थ है वो जीरो है, ठीक है, तो चेन ऑफ जीरो डेप्थ, तो बची हुई कितनी होगी, और 30 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हमारी कितनी 30 के इंटरवल पर जा रही है, ओके, तो यहाँ से फ्रेंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका जो अगर निकालना चाहे x की फिलो, तो x अपॉन 30 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.4 अपॉन 0.25, ओके, तो यहाँ से इजिली आप x की वैल्यू 18.46 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, 18.46 मीटर निकल गया, मतलब कि हमारे जो 60 चैनल है उसमें जब हम लोग क्या कर सके, मतलब 60 चैनल तक जो भी आपकी वैल्यू होगी उसमें जब 18.46 आप वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो वो जो डिस्टेंस निकलेगा उस डिस्टेंस पर हमारी जो डेप्थ होगी वो जीरो होने वाली है, मतलब डेप्थ जीरो होने वाली है, डेप्थ जीरो होने वाली है, मतलब यहाँ पर बता रहा है कि उस पॉइंट तक हमें क्या करना पड़ेगा, ना हमें फिलिंग करनी होगी, ना हमें कटिंग करनी पड़ेगी, ना हमें फिलिंग करनी पड़ेगी, ना हमें कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब वहां पर जो डेप्थ है एक पूरी तरह से जीरो है, ठीक है, इस पॉइंट के इधर हमें क्या टोटल यहाँ पर क्या होने वाली है बैंकिंग, और इस पॉइंट के जस्ट राइट हमें क्या होने वाली है पूरी होने वाली है यहाँ पर कटिंग, और इस पॉइंट पर क्योंकि हमारा डेप्थ है जीरो होने वाला, बस ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना था, और बाकी आप सिमिलरली यहाँ पर टेबल जो भी है देखे बना सकते हैं, ठीक है, तब देखोगे स्टेशन की लेंथ डेप्थ मीन हाइट सेंट्रल एरिया साइड एरिया टोटल जो हमारी एरिया निकलेगी लेंथ एंड क्वांटिटी निकालना है। ओके, तो सबसे पहले पुटअप कर लेते हैं कि स्टेशन कितनी थी 0, 30, 60 और 60 और 90 के बीच में हमारा क्या आ रहा था, वहां पर आ रहा था हमारा जो जो डेप्थ हो रही थी वो जीरो हो रही थी। ओके, मतलब कि ना पर वहां पर ना ही फिलिंग हो रही थी ना कटिंग हो रही थी, उस केस में यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं। ओके, तो पहले 0, 30 और 60 तक बात करते हैं, लेंथ हमारी हो गई शुरू में 0, 900 और 1800 देख सकते फ्रेंड ऑलरेडी यहाँ पर निकल चुके हैं। ओके, और इसी अगर डेप्थ की बात करें तो फ्रेंड कितनी थी डेप्थ 0.6 थी, 0.65 और 0.4 ये बेसिकली डेप्थ या भी बोल सकते हैं हाइट वहां पर जो हम लोग बैंकिंग का निकाला है, ठीक है, 0.6, 0.65, 0.4। ओके, ना हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर क्या निकालनी होती है, मीन हाइट निकालनी होती है, मतलब एवरेज जो भी आपका डेप्थ रहेगा उसके एवरेज, जैसे कि 0.6 + 0.65 उसको डिवाइडेंगे 2 से वो आ जाएगी हमारी 0.625, अगेन 0.65 + 0.4 डिवाइडेड बाय 2 वो आ जाएगी 0.525। ओके, अब सेंट्रल एरिया अभी तक हमने ऑलरेडी बना चुके हैं फ्रेंड, अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज पार्ट वन को जाके देख सकते हैं। ओके, जिसमें हमने टोटल डिटेल के बारे में बताया। ओके, तो सेंट्रल एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हमारा जब इसको क्रॉस सेक्शन की बात करें, ओके, तो ये हमारा क्या होता है फटाफट मैं बता देता हूँ। ओके, ये हमारी उसकी विड्थ हो जाती है और ये डेप्थ हो जाती है। ओके, और ये हमारा क्या होता है साइड स्लोप बेसिकली दिया था 1:1 का। ओके, तो ये क्या होती है फ्रेंड, जो टोटल एरिया क्या होता है वो हमारा होता है ट्रेपीजोडल फॉर्म में होता है, मतलब टोटल एरिया निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा रेक्टेंगल का एरिया प्लस करना पड़ेगा ट्रायंगल का बोथ साइड का एरिया। लेकिन हमें सेंट्रल एरिया पूछ रहा तो क्या हो जाएगा b × d। ओके, तो b × d तो उसकी जो भी हमारी जो फॉर्मेशन की जो विड्थ है रोड की विड्थ है वो देख सकते गिवन कितना है 12 मीटर है। ओके, तो 12 मीटर दिया हुआ है तो 12 × जो भी हमारी कॉरस्पॉन्डिंग उसके डेप्थ होगी, तो डेप्थ कितनी निकली यहाँ पर हमें से याद रखिएगा कि ये हमारा क्या मिड सेक्शन एरिया मेथड है, मतलब यहाँ पर मीन डेप्थ को यहाँ पर कंसीडर किया था, मीन डेप्थ या मीन हाइट। ओके, तो मीन डेप्थ यहाँ पर 0.625, तो 12 × 0.625 वो हमारी निकल जाएगी एरिया निकल जाएगी सेंट्रल एरिया, यहाँ पर लिख भी दे सकते हैं b × dm करके, dm मतलब हो जाएगा मीन हाइट। ठीक है, ये हमारे 7.5 निकल जाएगी, और सिमिलरली जब आप कैसे पुट करिएगा b तो हमारा सेम रहेगा विड्थ 12 ×
0.5 to 5, तो 6.3 निकल जाएगी सेंट्रल एरिया। सैड एरिया क्या होती है, तो यही हमारा क्या होता है सैड एरिया, जब इसको पुटअप करिएगा तो टोटल को एड करने पर आता है आपका बेसिकली एस डी स्क्वायर आता है। ओके एस डी स्क्वायर, तो आपका स्लोप हमेशा भी, अभी जस्ट हमने बात किया, देखिए स्लोप कितना था हमारा, एस की वैल्यू थी। ओके फ्रेंड, तो यहाँ देख सकते हैं साइड स्लोप की बात करें एस डी स्क्वायर होती है हमारी, तो एस कितनी निकली, ठीक है। तो एस यहाँ पर देख सकते हैं गिवन की बैंकिंग तक, जब तक अप टू बैंकिंग, वो हमारी एस की वैल्यू 2 होने वाली है और इन कटिंग एस की वैल्यू 1.5 होने वाली है। ओके, तो ना पुट अप करते हैं फ्रेंड की अप टू बैंकिंग तक, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, 2 इंटू जो भी आपकी जो डेप्थ है 0.625 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 इंटू 0.625 का स्क्वायर वो हमारी निकल जाएगी 0.781, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी एस डी एम का स्क्वायर। ओके, ये निकल गई। नाम बात करते हैं फ्रेंड की, सिमिलरली जब यहाँ पर इसको निकालिएगा तो ये एस की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू डी एम जो भी हमारा रहेगा दे सकते हैं 0.525 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपकी साइड एरिया भी निकल जाएगी। टोटल एरिया जब इसे सम कर दीजिएगा तो हमारा ट्रेपेजॉइडल एरिया निकल जाएगा और यही हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल एरिया कितना होगा 8.281 जो दोनों को एड करने पर, और ये हो जाएगा हमारे दोनों को एड करने पर 6.851। ओके, और लेंथ हमें 30-30 गिवन है, तो यहाँ पर क्या हो रही है फ्रेंड, बैंकिंग हो रही है, ठीक है। तो बैंकिंग हो रही है तो हमें इजिली कैलकुलेट करना कि जब लेंथ 30 मीटर और टोटल एरिया इतना, तो जैसे मल्टीप्लाई कर देगा तो टोटल हमें बैंकिंग की निकल जाएगी क्वांटिटी इतनी लगने वाली है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको ये निकल जाएगा 205.53 और 248.43। ओके, नाउ फ्रेंड यहाँ पर आता बात की 60 to 90 के बीच में, 60 to 90 के बीच में कितनी थी स्टेशन निकली थी फ्रेंड, तो ये 60 और 90 के बीच में यहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस थी 18.46 मीटर थी और ये जस्ट 60 के बाद थी, तो 60 plus 18.46 वो हमारी हो जाएगी 78.46। अब लेंथ कितनी निकलेगी, तो 30 मीटर 30 के इंटरवल पर थी, ठीक है, और लेंथ ऑफ वन चेन हमारा 30 मीटर है, तो उसे जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो जब 30 इंटू यहाँ हो जाएगा 18.46, तो वो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी 23.53.8 आ जाएगी। तो ओके, और ना अगर डेप्थ की बात करें तो फ्रेंड ये तो क्या था, जीरो डेप्थ का ही तो था, चेन जो जीरो डेप्थ था, ठीक है, वहां पर ना ही कटिंग हो रही ना फिलिंग हो रही, तो जीरो हो गई। जब जीरो हो गई तो मीन, हम ऑब्वियस बात है फ्रेंड यहाँ पर क्या हो रहा है, मीन निकाल रहे हैं हम डेप्थ का, लेकिन मीन जीरो नहीं होगा, सिर्फ डेप्थ जीरो होगा। कैसे, तो 0.4 + 0/2 वो हो जाएगी हमारी 0.2। ओके, ना सेंट्रल एरिया सिमिलरली निकालेगा फ्रेंड, जो भी विड्थ था उसको डीएम से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, और साइड एरिया भी सिमिलरली निकल जाएगा, टोटल एरिया भी ऐड करने पर निकला और लेंथ निकल गई हमारी क्या होगी 18.46, देख सकते हैं यहाँ पर 18.46, और ये हमारा क्या हो जाएगा बैंकिंग के अंदर आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं बैंकिंग के अंदर, और इसके बाद का जितना पार्ट का वो हमारा क्या जाएगा, हमारा जस्ट जाने वाला उसमें कटिंग है। ना बात करते हैं 90 पर चले गए, ठीक है, 90 जो हमारा आपका स्टेशन रहा, लेंथ की बात करें तो कितना था 2700, डेप्थ हमारी क्या होगी 0.25 होगी, क्योंकि अब से क्या होने वाला है, यहाँ से कटिंग शुरू होने वाली, ठीक है, देख सकते हैं अब ये वैल्यू आएगी टोटल 0.25, 0.6, 0.65 एंड लास्ट वन 0.5। ओके, नाम देख सकते हैं, तो मीन हाइट कितनी निकलेगी 0 + 0.25 / 2 = 0.125, सेंट्रल एरिया सिमिलरली जैसे निकलती है, जो भी आपकी जो विड्थ दिया 12, इसको मल्टीप्लाई कर दिएगा डीएम से, वो की है जो कि हमारा 0.125 आ जाएगी 1.5। सेंट्रल एरिया भी सेम निकलेगा, जो कि देख सकते हैं फॉर्मूला जैसे, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा फ्रेंड कि अब क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है यहाँ पर कटिंग, अब जब कटिंग शुरू होगा तो एस की वैल्यू कितनी थी वहां पर 1.5 थी, तो 1.5 लेना है आपको, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 है। ओके, तो ठीक है 1.5 से हो गई, टोटल एरिया आफ्टर रेडिएशन हो गया, दोनों निकल गया, लेंथ भी निकल गई आपकी, और लेंथ हमेशा याद रखिएगा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या निकला था कि जस्ट 60 के बाद यहाँ पर कितना देर तक हमारा क्या होना बैंकिंग होने वाला, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना डिस्टेंस हमारा जो कटिंग में जाने वाला, ये टोटल डिस्टेंस तो 30 है, लेकिन 18.46 जब हमारा क्या हो गया फिलिंग के अंदर जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस कटिंग के अंदर जाएगा, तो ये हमारा तो निकालना है, 30 में से जब x की वैल्यू घटा देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी, कितना हमारा कट करना है, तो कटिंग में सारी वैल्यू चल जाएगी 17.575, और ये हमारी होगी 30 माइनस जब 30 में से 18.46 को घटा दीजिएगा तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी, ठीक है। तो ना हम बात करते हैं कि अगर स्टेशन 120 रहा और 150-180 केस में, तो सिमिलरली आपको टेंशन जैसे आप पुट अप करते थे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है, तो लेंथ हमारी टोटल पति थी, डेप्थ भी पता है, तो सिमिलरली आप निकालते जाइए दोनों का जो आप निकालिएगा एवरेज, ठीक है, तो उसे निकालिएगा, फिर सेंट्रल एरिया भी आपको पुट अप करना है बी एंड डीएम से और एस डीएम का स्क्वायर से, और यहाँ से टोटल एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं 5.375 आएगी दोनों को एड करने पर, और लेंथ हमें 30 मीटर है, ठीक है, क्योंकि अब सारा हो गया 30-30 के इंटरवल पर हो गया। नाउ इसका जो मल्टीप्लाई करेगा तो 161.13 आ जाएगी। सिमिलरली 150 केस में लेंथ आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, डेप्थ हमारी 0.65 है, तो मीन कितनी निकलेगी जब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करिएगा तो आ जाएगी 0.625। सेंट्रल एरिया सिमिलरली फॉर्मूला पुट अप करते जाना आपको, ओके, दोनों का जब निकालिएगा तो टोटल एरिया सम करने पर आ जाएगा, ये दोनों को टोटल पुट अप करने पर 8.086, लेंथ आपकी 30 गिवन है और ये हमारी क्या आ जाएगी कटिंग गई
ओके। नाउ अगेन सिमिलरली पुट अप करना है तो डेप्थ हमारा 0.5 है, दोनों का एवरेज लेंगे ठीक है, तो और एवरेज लेंगे तो मीन हाइट निकल गई, सेंट्रल एरिया निकल जाएगा, साइड एरिया निकल जाएगा, सम करने पर टोटल एरिया भी आपको निकल जाएगा, लेंथ हमें 30 मीटर है तो मल्टीप्लाई करने पर ओके okay? तो टोटल जो लेंथ है उसे मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया से हमें निकल जाएगा कटिंग। आप देख सकते हैं फ्रेंड की जो क्वांटिटी कितनी निकली, बैंकिंग केस में 499.74 और कटिंग केस में निकली 641.96 मीटर क्यूब में ओके। ये था बेसिकली क्या मिड सेक्शन एरिया मेथड के द्वारा ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली डेप्थ जो होती थी उसका हम लोग मीन निकाल के बनाया है ठीक है। और इस वीडियो में अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाली है मीन सेक्शनल एरिया मेथड, मतलब हमारा जो एरिया होता है उसका बेसिकली हम लोग एवरेज लेने वाले ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं चेनेस ठीक है, तो चेनेस की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, चेनेस हो गया, लेंथ हो गया, डेप्थ हो गया। अब फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर जो डेप्थ होगा ना यही होगा ठीक है, ये हमारे याद रखेगा, ये डेप्थ है, ये लेंथ है और ये बेसिकली एल है हमारा लेंथ ऑफ चेन, चेन की लेंथ है ठीक है, चेन की लेंथ है ठीक है। और ये डिस्टेंस हो गया बेसिकली, यहाँ पर इसको डिस्टेंस लिख दीजिए ओके ठीक है। और यहाँ पर क्या, इसी डेप्थ से हमें यहाँ पर से जो सेंट्रल एरिया निकालेंगे, इसी डेप्थ से कंसीडर करके हम लोग साइड एरिया निकालेंगे और टोटल एरिया निकालेंगे और जो टोटल एरिया आया उसका मीन निकालेंगे बेसिकली ठीक है। ये फंडा होता है मीन सेक्शन एरिया मेथड में। तो चेंज देख सकते हैं कि चेंज अगेन हम लोग 0, 30, 60 तक जाने वाले हैं, डिस्टेंस हो जाएगा 0, 900, 1800, डेप्थ हो जाएगा 0.6, 0.6 का 0.4 ओके। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं टू सेंट्रल एरिया, तो बी यहाँ पर जो बी होगी इंटू डी, डी हो जाएगी अगेन फ्रेंड यहाँ पर 0.6 लेंगे, ना कि इसका जो एवरेज लेने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मीन सेक्शन एरिया जो हमारा जो मेथड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं एरिया का एवरेज लेते हैं ओके। तो 0.6 इंटू हो जाएगा 12, 7.6 तो 0.65 इंटू हो जाएगा 12 तो 7.8 और 0.4 इंटू 12 अगेन 4.8 सीट। उसके बाद आता है साइड एरिया, साइड एरिया एस, एस हमारा क्या था, एक 2 था और एक हमारा था 1.5, 2 था हमारा किस केस में, तो बैंकिंग और वहां पर हमारा जो 1.5 था वो था कटिंग के केस में। सिमिलरली यहां पर पुट अप कर लेंगे और डी की वैल्यू जो थी उसे स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके आपका वैल्यू आ जाएगा। एरिया कैसे निकलेगी, तो सम करना था एरिया निकल जाएगी। सिमिलरली यहाँ ठीक है, तो इसका वैल्यू अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डेप्थ हमारी 0.65 थी, यहां से भी इसका निकल जाएगा, एस डी स्क्वायर से भी निकल जाएगा, एरिया भी निकल गई ना। इसकी बात कर लेते हैं, डेप्थ हमें पता थी, बीडी से हमें सेंट्रल एरिया और एल जी स्क्वायर साइड एरिया निकल गई, टोटल एरिया आफ्टर एडिशन निकल गई। अब बात करते हैं मीन, ये दोनों को जब निकालिएगा फ्रेंड मीन निकालिएगा ठीक है, मतलब 7.92 प्लस 8.645 डिवाइड बाई 2 वो आ जाएगी 8.28। सिमिलरली इसका भी निकालिएगा 8.645 प्लस 5.12 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 6.88 ओके। लेंथ हमारा 30 गिवन है तो इसे जब मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 248 इंटू 4 और इस केस में क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर मीन निकाला है ठीक है, और 6.88 इंटू 30 वो आ जाएगा 206.4 ओके। ये हमारे क्या निकले थे, मतलब कि जस्ट हमारे यहाँ तक निकल चुकी है ओके, यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं इस डिस्टेंस की, तो इस डिस्टेंस की क्या हो जाएगी 78.46 क्योंकि 60 था और प्लस हमने 18 यहाँ पर जो 18.46 को ऐड कर दिया ओके। तो सिमिलरली जो भी यहाँ पर डिस्टेंस की बात किए थे हमने ठीक है, जो मिड सेक्शन एरिया मेथड में 23.53.8 कहाँ से आया, डेप्थ हमारी क्या होगी फ्रेंड, या जब हमारी क्या हो रही, डेप्थ ही जीरो है क्योंकि वो क्या थी, चेनेज ऑफ जीरो डेप्थ थी ओके। जब डेप्थ ही जीरो होगी तो इसी डेप्थ से तो हम टोटल निकाल रहे, तो जब हमारी डेप्थ जीरो होगी तो हमारी क्या होगी, सेंट्रल एरिया जीरो हो गई, जब सेंट्रल एरिया भी कुछ हो जीरो हो गया तो साइड एरिया भी जीरो हो गई, उसके साथ साथ क्या होगी टोटल एरिया भी जीरो हो गया, लेकिन जो मीन एरिया है वो जीरो नहीं हुआ। तो 5. क्या होगा 12 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी 2.56 और जो हमारी लेंथ कितनी होगी एक्स की वैल्यू 18.48 और जब मल्टीप्लाई करेगा तो 47.3 आएगा ओके 47.3। नाउ हम बात करते हैं फ्रेंड अगेन, अब 90 जो चेनेस थी 90 हो गए और डिस्टेंस 27 और डेप्थ हमारी क्या होगी, अब ये कटिंग जा रही है, कटिंग की जा रही है ठीक है, और बीडी से हमें निकल जाएगी, लेकिन याद रखिए कि एस की वैल्यू यहाँ पर चेंज होने वाली है वो है हमारी 1.5 ओके 1.5। तो इसे जब एस की वैल्यू 1.5 इंटू डी करिएगा, डी हमारे क्या 0.25 वो से आपका निकल गया, जो भी आपका जो साइड एरिया रहता है वो निकल गया और दोनों को एड करने पर आपका टोटल एरिया मीन कैसे निकलेगा, अब मीन जब इसको 0 प्लस 3.09 डिवाइड बाई 2 तो 1.5 को निकल जाएगा ओके। और लेंथ कितनी बची, तो जो भी हमारी 30 थी उसमें से जब माइनस कर देंगे 18.48 तो आपकी क्या निकल जाएगी, जो भी आपकी जो इन जो लेंथ बच रही है वो हमारे किसके केस में, कटिंग के केस में, तो वो हमारी हो जाएगी 11.54 जिससे मल्टीप्लाई करिएगा ओके, तो आ जाएगा 17.77। नाउ अगेन हमारा सेम हो जाएगा 120, 150, 180, तो आपकी जो लेंथ यहाँ देख सकते हैं कंसीडर हो जाएगी, जो डेप्थ है प्रॉपर वहां पर लिखा जाएगा। अब बीडी से हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल इसका सेंट्रल एरिया निकल जाएगा तीनों का केस में, और साइड एरिया का वैल्यू एस का वैल्यू 1.5 पुट अप करिएगा, डेप्थ यहाँ पर जो भी आपका गिवन है अल्टरनेट वो हमारा पुट अप करके इसकी जो साइड एरिया निकल जाएगी, दोनों को सम सम करने पर
हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा और एवरेज अगेन यहाँ पर इसको प्लस करने पर डिवाइड बाय 2 ये निकल जाएगी और 8.43 प्लस 6.37 डिवाइड बाय 2 करने पर 7.4 निकल जाएगी और लेंथ अल्टरनेट जो था 30 और मल्टीप्लाई करने पर आपको टोटल निकल जाएगी। तो देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी निकली 502.1 और इनकेस में अगर ये हमारा क्या होता फ्रेंड, ये हमारा बैंकिंग है। ओके ये बैंकिंग है ओके, इसको ऊपर लिखना था और ये बैंकिंग ये होता था आपका कटिंग ओके इन मीटर क्यूब ठीक है। तो ये हमारा 502.1 बैंकिंग और कटिंग कितनी निकली 644.47 ओके। तो देख सकते हैं फ्रेंड कुछ ज्यादा खास अंतर है नहीं ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी निकली थी 499.74 मतलब 500 के अप्रोक्स निकली थी और ये हमारी क्या होगी 502.1 हो गई। और बात करें अगर इसकी अगर बात करें कि कटिंग केस में 644.47 ये हमारी है 641.96 ओके। तो फ्रेंड ये था हमारा बेसिकली वीडियो कि आज इस वीडियो में हमने बेसिकली यही जाना कि अगर आपको अगर एस्टीमेट करने दे दिया जाए ठीक है अर्थवर्क का रोड के केस में, अगर उस केस में आपकी कटिंग और बैंकिंग ठीक है कटिंग और बैंकिंग अगर दोनों की वैन हो तो उस केस में आपकी जो एक्स जो वैल्यू होती है मतलब कि जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि जीरो डेप्थ का वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं ओके। तो आशा फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ओके, ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अभी भी इस वीडियो की रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।